हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुलेखा। तो चलिए बात करते हैं आफ्टर शावर यानी कि नहाने के बाद क्या क्या चीज करना हमारे रूटीन में कंपलसरी होना चाहिए। गाइस, मैंने बहुत से लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा और सुना है, जो लोग कहते हैं कि मैं उसकी तरह गोरी नहीं हूँ, लंबी नहीं हूँ, या फिर मेरे नयन नक्श उसकी तरह खूबसूरत नहीं है। तो गाइस, ये बताइए कि क्या हम दूसरे की तरह बन सकते हैं? जो चीज़ हमारे बस में ही नहीं है उसके लिए रोके या दुखी होके क्या फ़ायदा? तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे बस में है हमें उस पर काम करना चाहिए। तो क्यों ना, ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है हम उसी का बेस्ट वर्जन बने। तो चलिए बात करते हैं मेरा डेली रूटीन क्या है। फ्रेंड्स, नहाने के बाद सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर अप्लाई करती हूँ, जो मेरे फेस के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में मेरी मदद करता है और पोर्स को श्रिंक करके टाइटन अप रखता है। इसके जगह पे आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करती हूँ, जो भी आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको सूट करता हो वो क्रीम आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके जगह पे आप एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिलाकर भी अपने फेस को हाइड्रेट रख सकती हैं। मैं इसे पूरे फेस पे अपवर्ड मसाज करते हुए अप्लाई करती हूँ, फेस के साथ साथ नेक पे भी इसे अप्लाई करती हूँ। इसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र बेस्ड सनस्क्रीन भी लगा सकती हैं, मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, मगर मैं सनस्क्रीन अलग से अप्लाई करती हूँ। डॉट डॉट करके पहले मैं उसे पूरे फेस पे लगाती हूँ और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेती हूँ। सनस्क्रीन को ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, बट फ्रेंड्स, सनस्क्रीन लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे एजिंग को स्लो करता है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। 30s के बाद तो सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है। इसके बाद मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट रखने के लिए लिप बाम लगाती हूँ। मेरा फेस का एक्टिविटी यहीं पूरा होता है। अब मैं बॉडी लोशन लेके पूरे बॉडी पे लगाती हूँ। बॉडी लोशन के जगह पे आप किसी ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो। ऐसे आलमंड ऑयल सबसे बेस्ट होता है हर मौसम के लिए। आप उसे पूरे बॉडी पे किसी भी मौसम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने हेयर के लिए हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ। हेयर सीरम कभी भी हमें स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। हेयर सीरम हमेशा हमें हेयर के लेंथ में अप्लाई करना चाहिए। ये हमारे बाल को फ्रिज होने से बचाता है, उलझने से बचाता है और हेयर में शाइन बना रहता है। इसके जगह पे आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने स्किन का जितना केयर करेंगे हमें कॉस्मेटिक्स उतने ही कम यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपने स्किन का केयर करना चाहिए और आफ्टर 30s तो हमें ज़रूर केयर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से इंस्पायर्ड होके आप भी इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।